भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर ने आज पर्यावास भवन स्थित खनिज विकास निगम में उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान कई समर्थक इस मौके पर उनके साथ विभाग के कार्यालय में बधाई देने पहुंचे। सभी ने गिरिराज किशोर का माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इससे पहले गिरिराज किशोर ने प्रदेश कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद गिरिराज किशोर पर्यावास भवन स्थित खनिज विकास निगम के कार्यालय पहुंचे और अपना पदभार संभाला। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा, विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, रमेश शर्मा समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। एक प्रश्न यह है, हमने जब काम शुरू किया था, परमई भवन ने तुम्हें हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आज से नहीं, चौवन से मेरा काम है। चौवन से राजस्थान में रहा मैं, उसके बाद इंडिया मेरा सिलेक्शन भेजिए ना गए तो यहाँ मजदूर क्षेत्र में, यहाँ पर दो ही लोग थे, या तो कांग्रेस थी या कम्युनिस्ट थे, हमारा किसी का अस्तित्व नहीं था। लेकिन देश भर के नेता और मिले सारे कार्यकर्ता, उनने सब शुरू किया, मजदूर संघ शुरू किया, शिशु अंदर शुरू किए, जो गिरोपड़े शुरू किए, और आज तक क्योंकि देव का उद्देश्य क्या था कि परमय भवन ने तुम्हें स्वास्थ्य, इसीलिए हम कापड़ों से चिंता भी नहीं होती। इसके बारे में ये तो हमारे अधिकारियों से पूछेंगे, भाई क्या करना है, क्या क्या उनकी प्लानिंग है। हम तो केवल ये था कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को शिक्षा देना, वही करते थे, और तो किया ही नहीं हमने। हमें आज तक हम नगर निगम की कुर्सी पे नहीं बैठे। ईएमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।